क्या आपकी भी स्किन उम्र से पहले लटकी और ढीली, मतलब झाइयाँ, पिंपल से इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगी हैं उम्र से पहले ही? तो देखिए, आज ऐसी रेमेडी आप सबके साथ शेयर करेंगे जो आपको हद से ज़्यादा पसंद आएगी। और ये हमने क्या लिया है, किसका पेस्ट बनाया है, किस तरह रेमेडी बनाएंगे, तो आपको वो आगे पूरी वीडियो में देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही काम की है। तो देखिए, हमने इसको दो जगह कर लिया, नीचे जूस है, देखिए एक कटोरी में जूस है, ऊपर जो छलनी में था वो दरदरा इसका ऊपर वाला पार्ट था। तो ये दोनों रेमेडी आज हम आप सबके साथ एक ही वीडियो में शेयर करेंगे जो आपको हद से ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे हमारी स्किन पे। जैसे उम्र से पहले झाइयाँ पड़ गई हैं, पिंपल्स हो गए हैं, और जैसे रूखी सी हो गई है, बिल्कुल चटकी चटकी सी हो गई है, जो दिखने में बहुत गंदी लगती है। तो देखिए, ये दो रेमेडी हमने बना के तैयार की हैं। सबसे पहले रेमेडी बनाने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, हमने लिए हैं मूँगफली के दाने और दूध लिया है, कच्चा ले लो चाहे गर्म ले लो। इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे, तो इसको अच्छे से निकाल लेंगे तो दो रेमेडी हम बनाएंगे, जो दोनों रेमेडी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, जितना हमें ज़रूरत थी, मतलब जितना हम लगाएंगे हमने उतना ही बनाया है, ज़्यादा स्टोर बना के नहीं रखेंगे, स्टोर करके नहीं रखेंगे। तो हमने एक बर्तन में निकाल लिया, इसको चम्मच से दबा दबा के अच्छे से हम निकाल लेंगे इसका जूस, और जो ऊपर का पार्ट हो जाएगा सूखा सा, दरदरा सा, ये हमारा स्क्रब का काम करेगा। तो हमने इसको फटाफट से निकाल लिया है। तो एक रेमेडी ये है हमारी, देखिए इसमें हमने क्या क्या मिलाया है वो हम अभी दिखाएंगे। तो ये जो रेमेडी है ये बहुत ही अच्छी है स्किन के लिए। सर्दियों में तो मूंगफली चलती हैं, तो सर्दियां आने वाली हैं, तो हमारी स्किन के लिए ये फेस पैक बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो देखिए, इसमें ले लिया हमने आधा चम्मच बेसन, बेसन लिया है, बेसन तो हमारे स्किन के लिए अच्छा ही होता है। और ये जो हमने जूस निकाला था उसमें इसको हमने ऐड कर लिया है। अब इसका एक फेस पैक बनाएंगे हम। और ये रेमेडी ज़्यादातर रात में अपने फेस पर अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ना तो हम रात में बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं धूप में, और दिन में अगर हम लगाते हैं तो दिन में बाहर भी जाना पड़ता है, धूल मिट्टी भी फेस पर चिपकती है, और धूप में भी जाना पड़ता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं हमारे फेस पर। तो ये रेमेडी ज़्यादातर रात में ही अपने फेस पर लगाएं, बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो देखिए, एक रेमेडी हमने बनाकर तैयार कर ली है, तो इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड से, और अच्छे से फूल जाएगी तो हमारे फेस पर और ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। इसको साइड से रख दिया, एक कटोरी ले ली है हमने, इसमें हम लेंगे जो ऊपर वाला पार्ट था, दरदरा पार्ट, उसको ले लेंगे हम। तो देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें अभी दो चीज़ें और ऐड करेंगे, वो भी हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करेंगी, एकदम रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए, ये शहद है, शहद हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा ग्लो लाता है, चमक भी लाता है, और स्किन जैसे लटकी लटकी सी होती है, काली पड़ जाती है, उसको भी साफ करता है। अब इसमें मिलाएंगे चीनी, चीनी दरदरी होती है, तो चीनी और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मिला के हम अपने फेस पर अच्छे से स्क्रब करेंगे। तुमने आधा चम्मच चीनी ले ली, बहुत ज़्यादा नहीं ली है, तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर के लिए मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, नहीं तो चीनी पे लग जाएगी। तो हमने मिला लिया है, देखिए। तो चलते हैं अब फेस पर, पहले हमें स्क्रब करना है, इसके बाद अपने फेस पर फेस पैक लगाएंगे। तो देखिए, हमारी दो रेमेडी बनके तैयार हो गई। तो पहले स्क्रब कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने हल्के हल्के हाथों से इसको हम पूरे फेस पर लगाएँगे और मसाज कर लेंगे। मसाज करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, इस तरह से लगा लेते हैं, मसाज करने के बाद छोड़ देंगे, फिर हम नॉर्मल पानी से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, हमारा फेस बहुत अच्छे से साफ हो गया है, तो हम फेस पैक को अब लगाएंगे, और ये अच्छे से पेस्ट भी बन गया, बहुत ही अच्छे से एकदम मुलायम और जैसे खूब क्रीम की तरह बन गया है। और इसको हम थोड़ी देर उंगली से और फेंट लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है फेंटने में। इस तरह से पूरे फेस पर हम लगा लेंगे,
और ये जो फेस पैक है करवा चौथ आने वाली, नवदुर्गा आने वाली, तो ये फेस पैक है जो हमने बनाया, किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब पर पहली बार हमने ये फेस पैक बनाया है और बहुत ही अच्छा इसने रिजल्ट भी दिखाया मुझे, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये फेस पैक हमें करवा चौथ तक रोज़ लगाएंगे हम अपने फेस पर, तब भी हमारे फेस पर कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा फेस जो काला है वो एकदम गोरा हो जाएगा, ओपन पोर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और जो आँखों के नीचे काले काले घेरे हो गए हैं वो भी सारे कम होते जाएंगे, क्योंकि अभी करवा चौथ के भी बहुत दिन हैं, तब तक हम ये फेस पैक रोज़ लगाएंगे। और देखिए हमने एक गीला रूमाल लिया, उससे हमने अपने फेस को अच्छे से, मतलब जो सूख गया था उसको फुला लिया है, हमारी भाषा में बोलते हैं, और उसको हमने साफ़ कर लिया है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलेंगे इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए हमने लगा लिया अच्छे से, अब सुखाएंगे, सुखा लिया देखिए, और एकदम बिल्कुल फेस की तरह हो गया सूखने के बाद। तो इसको हम पहले उंगली से रगड़ेंगे।